स्टूडेंट्स, वेरी वॉर्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। सो रिसेंटली वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है दोनों हाउसेस में। इस बिल के कुछ हाइलाइट्स हैं जो हम देखेंगे। इसके अलावा जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कि इट्स अ वेरी लॉन्ग रोड टू वुमेन्स इक्वालिटी। रिजर्वेशन बिल का पास होना और वुमेन को इक्वालिटी देने में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। हम इससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, कंसर्न्स देखेंगे इस रिजर्वेशन बिल में क्या है, प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इसके बाद देखेंगे। मोर ओवर वुमेन का पार्टिसिपेशन आप इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी देखते हैं कि वो शॉप पिकटिंग में और बाकी अलायंसेस, बाकी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हुए थे वुमेन के। सो इन थोड़ा सा चीज़ों के बारे में एक डिटेल हम देख लेते हैं। देन वी हैव आर टुडे, सो वील स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक वा इन न्यूज़। सो वुमेन रिजर्वेशन का जो बिल है जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है, ये जो बिल है इसको दोनों हाउसेज ने पास किया था और इसमें बहुत मिनिमल अपोजिशन आया था। केवल ऐसे दो वोट थे जो इनके अपोज में गए। दोनों रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी ने इसका सपोर्ट किया था। रिसेंटली जो ये बिल पास हुआ है इसका अगर हम बात करेंगे तो इसमें यह था कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स और म्यूनसिपालिटी जो बॉडीज होती हैं इनमें अच्छा खासा है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर्स और जो पार्लियामेंट में इनका रिप्रेजेंटेशन है वो अभी भी लिमिटेड है। जो वुमेन MPs हैं अगर इनकी बात करें तो लोकसभा की केवल 15% हैं जो वुमेन MPs हैं, और केवल अगर हम स्टेट असेंबलीज की बात करें, बहुत सारी ऐसी स्टेट असेंबलीज में हैं जहां पे केवल उनका जो कंपोजिशन है वो 10% है टोटल में से। अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये इंट्रोड्यूस होता है तो ये 128th अमेंडमेंट बिल है। सो ये 33% रिजर्वेशन देता है वुमेन को लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो 128th अमेंडमेंट बिल है, 33% मतलब नियरली 1/3 रिप्रेजेंटेशन देगा ये। सो और इसी में वो सीट्स इंक्लूड रहेंगी जो कि SC या ST महिलाओं को दी जाती है। सो इनको डायरेक्ट इलेक्शन से भरा जाएगा इन द हाउस ऑफ द पीपल विच इज द लोकसभा। सो दे शैल बी रिजर्व फॉर द वुमेन। दो आर्टिकल्स और इसमें इंट्रोड्यूस होंगे, आर्टिकल 330A और 332A कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे नए आर्टिकल्स, और ये बेसिकली यही जो प्रोविजन्स हैं ये चेंजेस लाएंगे लोकसभा में और असेंबलीज में रेस्पेक्टिवली। सो एक चीज और, ये जो बिल है ये तभी इंप्लीमेंट होगा जो वुमेन रिजर्वेशन का है जब डेलिमिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एक इसमें सनसेट क्लॉज भी है। व्हाट इज अ सनसेट क्लॉज? सनसेट क्लॉज जो एक समय तक चलता है उसके बाद फिर वो रुक जाता है। तो ये जो रिजर्वेशन बिल है ये 15 साल के लिए वैलिड होगा जिस दिन से ये कमेंस हो जाएगा, ये एक्ट के कारण आ जाएगा, उसके बाद 15 साल तक ये रहेगा। देन वुमेन का पार्टिसिपेशन कॉलोनियल इंडिया में रहा है। अर्ली 20th सेंचुरी में जब इंडियन नेशनलिज्म मोमेंटम गेन कर रहा था तो जो कॉलोनियल स्टेट था उसने इंडियंस को ज़्यादा पार्टिसिपेशन देना शुरू किया। आप डिफरेंट एक्ट्स पढ़ेंगे, उन एक्ट्स में बेसिकली इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स एंड ऑल, तो उसमें धीरे धीरे करके इंडियंस का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाता है स्टेप बाई स्टेप। तो इसमें नॉमिनेशन था, रिजर्वेशन था, इलेक्शन था। सो इसी पीरियड के दौरान वुमेन की पहली कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी। इसमें आप कुछ लीडर्स के भी बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे सरोजनी नायडू, जैसे एनी बेसेंट का कंट्रीब्यूशन है, जैसे और भी महिलाएं रही थी। सो अब वुमेन लीडर्स के अंदर ही बहुत डाइवर्स पर्सपेक्टिव थे, बहुत डिफरिंग व्यूज थे कि वुमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ किसी भी फॉर्म के रिजर्वेशन को अपोज करते थे, लेकिन कुछ ये बिलीव करते थे कि वुमेन्स के पास कुछ स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज है, मतलब उनको इकोनॉमिकली डिपेंड रहना पड़ता है मेल के ऊपर। मोर ओवर कुछ मैरिज लॉज बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव थे, तो इसीलिए रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी ताकि जो वुमेन का पॉइंट ऑफ व्यू है लेजिस्लेचर्स में या पॉलिटिक्स को लेके वो सामने आ सके। अगर हम बात करेंगे तो ये जो इरा था इसमें और भी सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स हुए थे, जैसे कि राइट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस चल रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको लीड कर रहे थे और भी बाकी लोग जैसे गांधी जी हैं और मदन मोहन मालवीय भी थे, तो द्रविडियन मूवमेंट था। इसके अलावा मुस्लिम माइनॉरिटी स्टेटस के भी बहुत सारे कंसर्न्स थे। अब एक चीज हुआ, इनिशियली वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपोज किया कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, वुमेन की एक यूनिटी रहेगी, लेकिन 1930 के बाद से, स्पेशली 1932 में जो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, इस पैक्ट के बाद उन्होंने अपनी डिमांड छोड़ दी और उनको चाहत थी स्पेशल नॉमिनेशन या एक्चुअली उनकी यही जो डिमांड थी कि स्पेशल ट्रीटमेंट, नॉमिनेशन, रिजर्वेशन, उन्होंने उसको मना कर दिया था। उन्होंने एडवोकेट किया, यू कैन नोट दीज पॉइंट्स, इक्वालिटी एंड नो प्रिविलेजेस एंड अ फेयर फील्ड एंड अ नो फेवर, ये कुछ ऐसे कॉमन स्लोगन थे। तो एक यूनाइटेड फ्रंट मेंटेन करने के लिए जो अलग अलग व्यूज थे ऑर्गेनाइजेशन के, उनको सप्रेस किया गया। इवन अगर उनके मेंबर्स लूज हो रहे थे उस वक्त भी, पर्टिकुलरली मुस्लिम वुमेन के अंदर ऐसा हुआ था जो ग्रुप्स थे। ये जो एम्फेसाइज था एक यूनाइटेड फ्रंट देने के लिए, इट वॉज फॉर जेंडर
फॉर द कॉज ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन द पॉलिटिक्स। सो कंसर्न्स क्या है इस रिजर्वेशन के? पहला जो मेजर कंसर्न है कि जो वुमेन है वो एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं बनाते हैं। अगर हम वुमेन के लिए सीट रिजर्व करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो गारंटी है राइट ऑफ राइट टू इक्वालिटी, तो ये इसको बेसिकली हैम्पर करेगा। और जो इस पोजीशन को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि अगर ये रिजर्वेशन बिल इंप्लीमेंट हुआ तो वुमेन अपने ही मेरिट्स पे कम्पीट नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये जो अप्रोच है ये एग्जिस्टिंग जेंडर डिस्पैरिटी जो है इसको अपहोल्ड ही करके रखेगा एज माइट बेसिकली। सो दिस इज द केस। नाउ नेक्स्ट इज कि ये जो है जो बहुत क्रूशियल और इससे ज्यादा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन है, बहुत सारे MPs और MLAs हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस चलते रहते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है इसके। और एक जो स्टेट का इनर पार्टी डेमोक्रेसी होता है, तो ये कुछ सिग्निफिकेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मैटर्स से जो फोकस है वो दूर लेके चला जाता है। इसके अलावा वोटर की चॉइसेस कई बार रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी अगर सीट जो है वो वुमेन को ही दे दी गई किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वोटर चॉइस रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो ये एक चीज है। इसके अलावा अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमेशा रोटेट होती रहेंगी, तो अगर कोई एक MP बनाए, सपोज ही इज अ मेल MP इन अ बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इसको बताया कि अगले साल हो सकता है कि यहाँ से सीट रोटेट करके एक वुमेन आ जाए, तो इसका जो इंसेंटिव है वर्क करने का वो कम हो जाएगा। मोर ओवर ये जो बिल है, राज्यसभा में वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना होगा या जो इंपॉर्टेंट कमिटीज होते हैं पार्लियामेंट में उनमें उनका पार्टिसिपेशन होगा नहीं, इस पर एकदम साइलेंट है। वी हैव अ स्मॉल डेटा। सो ये वुमेन का शेयर है लोकसभा में 1952 से देवर अराउंड 4.9% एंड ये इन 2019 देवर अराउंड 4.4%, लगभग 15%। सो यू कैन नोट डाउन दिस डेटा इफ यू वॉन्ट। इसके अलावा फॉर स्टेट PCS एग्जाम्स यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड इसमें आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट का नाम देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी वुमेन का पार्टिसिपेशन है। नाउ स्टेट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन पार्लियामेंट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो वुमेन MPs हैं वो लगभग 15% हैं लोकसभा में और 10% है बहुत सारे स्टेट असेंबलीज में। सो ये रिसर्च कंडक्ट हुई थी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा इसी साल में थोड़ा पहले, तो इसमें जो इंडिया था वो 193 नेशंस में 149th उसकी रैंक आई थी अगर हम वुमेन के परसेंटेज की बात करें जो लोअर हाउसेज में सर्व करते हैं। इंडिया का जो रैंक है ये जो वर्ल्ड का बेसिकली वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें ये लो लाई करता है, लगभग 187 कंट्रीज में 143rd रैंक आती है। जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करेंगे तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट होता है 2023 के हिसाब से जो इंडिया की रैंक है वो 146 कंट्री में 127 है। इसमें क्योंकि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और ये एक इसमें फैक्टर होता है इसको कैलकुलेट करते टाइम पे, तो जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो लगभग 25.3% पैरिटी दिया था, तो वुमेन केवल 15.1% पार्लियामेंट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि हाईएस्ट है कंट्री में सिंस जो रिपोर्ट का इनॉग्रल हुआ था 2006 में। ग्लोबली बात करेंगे तो भारत 141st इसकी रैंक है वुमेन के रिप्रेजेंटेशन में लेजिस्लेचर्स में। UN के हिसाब से ग्लोबल लेवल पे वुमेन जो हैं ये 26.7% पार्लियामेंट्री सीट्स होल्ड करते हैं और 35.5% लोकल गवर्नमेंट पोजीशंस में होल्ड करते हैं जैसे मुल्टीपाली पंचायत एंड ऑल। सो अगर हम एक 33% कोटा इंप्लीमेंट करते हैं तो इंडिया उन 64 या 64 कंट्रीज के ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा जिन्होंने ऑलरेडी स्टेप्स ले रखे हैं वुमेन के रिजर्वेशन के लिए और वो एक जेंडर रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करते हैं नेशनल लेजिस्लेचर्स में। रवांडा बेसिकली जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और आपका जो युगांडा है इसके बीच में एक आपका कंट्री है। सो यहाँ पे वुमेन जो है वो 60% से ज़्यादा सीट्स होल्ड करती हैं एंड 2008 में ये पहली ऐसी कंट्री थी जो कि फीमेल मेजॉरिटी पार्लियामेंट था। नाउ वी आवर टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड ऑल वुमेन कॉन्फ्रेंस इन 1927 एट मद्रास? जेम्स कजन्स, मार्गरेट कजन्स, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव। यू कैन टाइप द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, दे विल लेट यू नो इफ इट्स करेक्ट और नॉट। देन वी हैव अ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो द मेयर प्रेजेंस ऑफ द वुमेन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स विल नॉट ट्रांसलेट इनटू वुमेन्स इक्वालिटी एंड द फ्रीडम, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड सेशन, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद द लिस्ट आईएस फॉर बेटर प्रिपरेशन।